हेलो एवरीवन, तुम्हारे एक और नई वीडियो में क्रेजी क्राफ्ट अपडेटेड के। और पिछले पार्ट में हमने बनाया था ये ईएमसी फार्म, जो कि रेड फार्म की तरह काम करता है। हम रेड करके इससे प्लेजर्स स्पॉन करते हैं और उससे ईएमसी मिल जाती है एमरल्ड्स के रूप में। हमें एमरल्ड्स मिलती है जिससे कि ईएमसी हमें मिल जाती है, उसको यूज़ कर सकते हैं एमरल्ड्स को। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। और आज के एपिसोड में हम अपने नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो करने वाले हैं, जिसमें कि हम दो चीज़ें सबसे मेन करेंगे। तो उसमें पहला है, हमें एक स्टोरेज सिस्टम बनाना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान आ रहे हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए और क्राफ्टिंग करने के लिए अच्छे से हम बनाएंगे रिफाइन स्टोरेज का स्टोरेज सिस्टम। और दूसरा, हमें स्टार्ट करना है हमारी ट्रांसमोटेशन जो टेबल है उसको बनाना भी स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम आज एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करने वाले हैं, क्योंकि एंडर ड्रैगन का जो हार्ट होता है वो हमें चाहिए होता है ट्रांसमोटेशन टेबल को बनाने के लिए, फिलोसोफर स्टोन को बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वाले पार्ट को, इस वाली वीडियो को, जिसमें कि सबसे पहले हम बनाएंगे रिफाइन स्टोरेज का स्टोरेज सिस्टम। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें ही चाहिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और एक एक ही बना लेंगे, कोई ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। फिर उनको हम ईजिली डुप्लीकेट कर सकते हैं हमारे एनर्जी कंडेंसर की हेल्प से, जो कि हम हमेशा ही करते हैं, सिर्फ एक एक बनाने और उसके बाद में इसको इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएंगे ये थोड़े से क्वार्ट्ज इनरिच आयरन, जिनको हम बना के यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरीके से, और आगे के बाकी सामानों को भी हम इसी तरीके से डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड आ जाएगा यहाँ पे मेन चीज़ बनाने के लिए, मशीन फ्रेम, और थोड़े से क्वार्ट्ज को स्मेल्ट करके हम ये सिलिकन बना लेते हैं। ये सिलिकन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, और इस सिलिकन को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं। और इसके बाद फटाफट से मेन चीज़ें बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले बन जाएगा ये कंट्रोलर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम हमेशा सेम ही बनाते हैं, तो ये फटाफट से बना लेते हैं। दूसरा आ जाएगा डिस्क ड्राइव, इसके बाद एक बन जाएगी ये ग्रिड, और इससे बन जाएगी क्राफ्टिंग ग्रिड, सिर्फ एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए और ये क्राफ्टिंग ग्रिड बन जाएगी। उसके बाद हमें स्टोरेज पार्ट बनाने हैं, डिस्क बनानी है, जो कि हम काफ़ी अच्छे लेवल के बना सकते हैं, काफ़ी हाई स्टोरेज की, क्योंकि हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 1K की बनाई है, तो इसके लिए 4K की बनानी है इसके, तो उसके लिए यहाँ से ईजिली इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया, फिर 1K से बन जाएगी 4K की, 4K की डिस्क बन गई है। अब इसको भी इसी तरीके से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये आ गई, और 4K से बन जाएगी अभी 16K, 16K से बन जाएगी 64K, 64K से बन जाएगी 256K, 256K से बन जाएगी एक और आगे की, और साथ ही मैंने एक स्टोरेज हाउसिंग बना लिया है इसको डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 4096, और फाइनली ये 16 मिलियन की भी बन जाएगी। और अभी इसको सिंपली डिस्क में कन्वर्ट कर लेना है, ये इस तरीके से स्टोरेज डिस्क बन जाएगी। और अभी इसको सिंपली यहाँ पे सेटअप करना है, हमारे पास एनर्जी अच्छी लेवल पे आ ही रही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसको सेटअप कर देंगे। जिसके लिए यहाँ से ये हटा देते हैं डिसएन्चेंटर, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में इसको सेटअप करेंगे। और इसका आउटपुट ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अभी कंट्रोलर, इसके ऊपर लगा देंगे क्राफ्टिंग ग्रिड, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे एक क्राफ्टिंग ग्रिड और एक डिस्क ड्राइव यहाँ पे लगा देते हैं, इसमें आ जाएगी अभी डिस्क। और अब ये 16 मिलियन से भी ज़्यादा आइटम्स स्टोर कर सकता है, तो अभी हम अपने सारे आइटम्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। तो फटाफट से सारे सारे जो आइटम्स हमारे बेस पे हैं उन सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बन चुका है, हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं सारे आइटम्स, और थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे बाकी बचे हुए हैं जो भी। इसके बाद में हमें अपने नॉर्मल टूल्स को अपग्रेड करना है, जो कि हम रूबी में अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ये रूबी वाले टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये बना लेते हैं, थोड़े से अपग्रेड कर लेते हैं, इससे हमारा क्वेस्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये हो गए टूल्स अपग्रेड।
इसके बाद में हमें एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, जिसके लिए आई ऑफ एंडर बना लेते हैं। एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है, स्टार्ट करते हैं। तो ये आई ऑफ एंडर बना लेते हैं फटाफट से, और एक ये अल्टीमेट बो बना लेते हैं, जिसके लिए प्लेटिनम चाहिए, यूरेनियम और टाइटेनियम चाहिए। तो इसके लिए हमने जो डिजिटल माइनर से माइन किया था, तो उसमें ये सारी ओर्स ऑटोमेटिकली आ गई थी। तो ये प्लेटिनम निकाल लेते हैं, और ये कियोस अवेकन्स की टाइटेनियम और यूरेनियम ओर। अभी इनको यहाँ पे स्मेल्ट करना है सबसे पहले तो। और ये दोनों ओर्स है जो यूरेनियम और टाइटेनियम, ये दोनों ही भी यूज़ होने वाली है आगे हमारे फिलोसोफर स्टोन और ट्रांसमोटेशन टेबल को बनाने के लिए। ये हम नॉर्मली माइन नहीं कर सकते पिकैक्स से, लेकिन हमारे डिजिटल माइनर से ये माइन हो गई थी, इसलिए इनको हम यूज़ कर लेते हैं। और ये प्लेटिनम भी आ गया है। स्मेल्ट होने के बाद में इसमें नगेट मिलते हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा ड्यूप्लीकेट करना पड़ेगा और इनको इनगट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। 9 नगेट्स ही आ गए हैं, इसके बाद टाइटेनियम आ जाएगा। ये टाइटेनियम भी आ गया है, और अभी इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनगट में, नगेट्स को इनगट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इससे हमारी बन जाएगी फाइनली ये अल्टीमेट बो, जिसमें कि ऑटोमेटिक ही कुछ इंचेंटमेंट्स लग के आ जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो ये मैंने बना लिया है। तो ये हमारी बन गई है। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए, जिसके लिए ये आई ऑफ एंडर का यूज़ करेंगे हम। तो फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं लोकेशन पे। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे आई ऑफ एंडर की हेल्प से, और अभी यहाँ पे हमें सिंपली ढूंढना है एंड पोर्टल को। यहाँ पे नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं, और ये हम पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया है, ये स्टोन ब्रिक्स वाला। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लूट हमें अच्छी मिलने वाली नहीं है, हमें सीधे सीधे एंड ड्रैगन को डिफीट करने के लिए जाना है। और उसके लिए जो एंड पोर्टल की लोकेशन है, वो हम अपने जर्नी मैप का यूज़ करके देख सकते हैं किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए जर्नी मैप को खोलना है, और इसमें लेयर्स वाले सेक्शन में जाके थोड़ा सा इसको चेंज करके देख लेंगे। तो ये देखो, ये दिखा रहा लावा टाइप का ये कुछ, यहाँ पे हमारा एंड पोर्टल है। इस पे सिंपली वे पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, तो इस जिससे हमें मिल जाएगी डायरेक्टली लोकेशन एंड पोर्टल की। तो वहाँ पे अभी हमें सिंपली पहुँच जाना है फटाफट से। जर्नी मैप काफ़ी अच्छा है इस चीज़ को ढूंढने के लिए, एंड पोर्टल को। और ये हमें मिल चुका है, ये देखो। और अभी इसको सिंपली यहाँ से फटाफट से एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसको एक्टिवेट करते हैं अभी फटाफट से, और साथ ही एक वे स्टोन भी ले लेते हैं, क्योंकि एंड पो जो कि हम एंड में जाते ही लगा देंगे, जिससे हम वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर पाएँ। और ये हो गया एक्टिवेट एंड पोर्टल। अभी सिंपली हमें एंड में जाना है और एंड ड्रैगन को डिफीट कर देना है। तो चलते हैं एंड में, और हम पहुंच चुके हैं एंड में फटाफट से। और सबसे पहले यहाँ पे एक ये वेस्टोन लगाते हैं, यहाँ आते ही एक वेस्टोन लगा देते हैं, जो कि हमें फास्ट ट्रेवल में काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी इस एंडर ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं, जिसके लिए एंडर क्रिस्टल्स को तोड़ते हैं फटाफट से। हमारे पास काफ़ी पावरफुल बो है, तो इनको काफ़ी इजीली हम डिफीट कर पाएंगे, और हम फ्लाई भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो सारे के सारे एंड क्रिस्टल को करते हैं पहले तो ब्लास्ट, यहाँ पे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ते हैं। ये गया एक और,
और अभी इसको हम डिफीट कर सकते हैं। एक और लास्ट वन बच रहा है, ये भी एंड एंड क्रिस्टल ये गया और अभी हम इसको इजीली डिफीट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम बच रही है, लास्ट के कुछ हिट्स लगने हैं और ये डिफीट हो जाएगा। तो इसको बराबर से करते हैं डिफीट और इसने एक और ये एंड क्रिस्टल स्पॉन कर दिया है, तो इसको भी करते हैं यहाँ पे ख़त्म। और ये लास्ट हिट, और हमने डिफीट कर दिया है एंडर ड्रैगन को भी, काफ़ी इजीली डिफीट कर दिया है। बस कि हमें सारी की सारी ड्रॉप यहाँ से ले लेनी है और इसमें सबसे मेन तो है वो एंडर ड्रैगन का जो हार्ट होता है वो लेना है हमें, वो भी इधर ही होगा, सेंटर में होता है यहाँ पे, ये रहा, ये हमें मिल चुका है। और साथ ही इस एंडर ड्रैगन के एग को भी ले लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। इसको करते हैं यहाँ से पिकअप फटाफट से और हमने कर दिया है डिफीट एंडर ड्रैगन को फाइनली। और साथ ही हमें एक ये भी मिल गया है पार्ट ट्रांसमोटेशन टेबल को बनाने के लिए। तो आज के एपिसोड में हमने फाइनली डिफीट कर दिया है एंडर ड्रैगन को, जिससे कि हमें ये ट्रांसमोटेशन टेबल को बनाने के लिए एक पार्ट मिल गया है ये हार्ट, और साथ ही हमने स्टोरेज सिस्टम भी बना लिया हमारा रिफाइन स्टोरेज का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को, इस वाले पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एपिसोड में।